नमस्कार, स्वागत है आपका ये हिंदी पर। आज है 1 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल के 317 विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में फंसे, घर वापिस लाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 317 विद्यार्थी अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को सकुशल घर वापिस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों और उनके माता पिता से वर्चुअल बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों से समुचित समन्वय के लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन स्थापित की है। हेल्पलाइन पर अब तक 218 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। अब तक हिमाचल प्रदेश के 102 विद्यार्थी भारत पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, शिक्षण संस्थानों में कोरोना बंदी से और होगी कम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में लगी बंदी से और काम की जाएगी। कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बंदिशों को कम करने के लिए सरकार विचार करेगी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेल गतिविधियों पर रोक के अलावा अभी कक्षाओं में क्षमता के हिसाब से 50% विद्यार्थी बिठाए जा रहे हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जेवटी भर्ती का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हाईकोर्ट से आए फैसले पर विधि विभाग से चर्चा के बाद आयोग को जल्द भर्ती परिणाम निकालने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों से सहजता और सरलता से अपनी मांगों को बताने की अपील की है। कहा कि हर मांग को रखने का निर्धारित तरीका होता है, नियम के बीच रहकर ही कर्मचारी को अपनी बात कहनी चाहिए, किसी के भी बहकावे में आकर उग्र नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती का कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 मल्टीटास्क वर्करों के पदों को लेकर आगामी कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। साक्षात्कार के आधार पर इनकी भर्ती की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भर्ती रुक गई थी, अब अगली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। मेरिट आधार पर साक्षात्कार लेकर इनका चयन किया जाएगा। पूर्व में मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर 4,000 पद और शेष 4,000 पद साक्षात्कार से भरने का फैसला लिया गया था। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर भर्ती करने पर रोक लगा दी है। अब सभी 8,000 पद एसटीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से भरे जाएंगे। बड़ी खबर, हिमाचल में डॉक्टरों का एनपीए बढ़ाने की अधिसूचना जारी, सचिवालय में क्लर्क और कनिष्ठ सहायक होंगे पदोन्नत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस, आयुष और पशु चिकित्सकों का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए बढ़ा दिया है। इसे 2,18,600 रुपए से बढ़ाकर 2,24,100 रुपए किया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। एसोसिएशन महासचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने वेतन की सेलिंग बढ़ाने पर सरकार का आभार जताया है। डॉक्टरों को ये व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। नगर निगम शिमला चुनाव में भारद्वाज, बिंदल और सत्ती पर होगा भाजपा का दारोमदार। नगर निगम शिमला के चुनाव की कमान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के हाथ में होगी। प्रदेश भाजपा ने इन तीन नेताओं की अगुवाई में एक समिति का गठन कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्बाल, सचिव बिहारी लाल शर्मा और महेंद्र धर्मानी सहयोगी के रूप में समिति के साथ काम करेंगे। शिमला दौरे पर आए प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि प्रदेश भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रोड मैप तैयार कर रही है। चुनावी बजट पर पेट ऑफ में दिन भर चला मंथन, मुख्यमंत्री ने की बैठक। चुनावी वर्ष में पेश किए जाने वाले प्रदेश सरकार के पांचवें बजट की तैयारियों को लेकर सोमवार को राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ में दिन भर मंथन चला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसी कड़ी में अब 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में बजट के आंकड़ों को मंजूरी दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत लाखों कर्मचारियों की बजट पर नजर टिकी है। रविवार को दिन भर चली बैठकों के बाद सोमवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अंतिम दौर की चर्चा की।
पेट्रोव में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई बैठक शाम 5 बजे तक चली। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का बजट 50,192 करोड़ रुपए है। चुनावी वर्ष में बजट 55,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। साइबर क्राइम हिमाचल में ठगी की साइटों को लेकर एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में 55 दिन के भीतर 200 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। फर्जी कंपनियों की ओर से लोगों को ओटीपी शेयर करने और लोन दिए जाने का झांसा दिया जा रहा है। साइबर पुलिस ने इस मामले में 6 लाख रुपए की राशि रिकवर भी की है। 5 लाख की राशि को होल्ड करवाया है। शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन के लोग ज्यादा ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम टीम ने लोगों से विभिन्न कारणों का हवाला देकर ठगी करने में इस्तेमाल होने वाली साइटों को चिन्हित कर इनका इस्तेमाल न करने की एडवाइजरी जारी की है। बागवानों से ठगी करने वालों की तलाश में यूपी और बिहार में दबिश देगी हिमाचल की पुलिस। बागवानों को सेब का पैसा न देने के मामले में पुलिस एसआईटी ने 38 गिरफ्तारियां और 150 एफआईआर दर्ज की है। सीआईडी की ओर से आरतियों पर सख्त कार्यवाही करने पर वर्ष 2013-14 में जिस पैसे की बागवान आने की उम्मीद छोड़ गया था, वे पैसा भी बागवानों के खाते में आया है। अब तक 25 करोड़ रुपए की राशि बागवानों को लौटाई जा चुकी है। कुछ आरती अभी भी एसआईटी की पकड़ से बाहर है। अब एसआईटी इनकी तलाश के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में दबिश देने जा रही है। पुलिस के व्यय से अब आरती बागवानों को फोन करके उनके खाते में पैसा डाल रही है। एसआईटी ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने व्यवस्था की है कि अब शिकायत करने पर भी बागवानों का पैसा लौटाया जा सकेगा। बागवानों के पास सेब बेचने की बिल होना अनिवार्य है। फीस स्पोर्ट्स स्कीम इग्नू में बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ 55 डिप्लोमा कार्यक्रम की पढ़ाई निःशुल्क। इग्नू से पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पढ़ाई के अब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इग्नू ने फीस स्पोर्ट्स स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को बीए, बीएससी, बीकॉम सहित 55 डिप्लोमा प्रोग्राम की पढ़ाई की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इसके लिए सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। शर्त पूरा करने वाले विद्यार्थियों को मात्र 200 रुपए का पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार। फरवरी महीने में सामान्य से 24% कम हुई बारिश। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 2 और 3 मार्च को मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 4 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश में फरवरी के दौरान सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज हुई है। 1 से 28 फरवरी तक प्रदेश में 78.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इस अवधि में 102.8 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। बड़ी खबर, हिमाचल वित्त विभाग ने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने के लिए बढ़ाई दी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 लाख नियमित कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने के लिए 28 फरवरी तक दी गई मियाद को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को वित्त विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए है। वेतन वृद्धि के लिए सरकार 3 विकल्प दे रही है। इससे पहले 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे। इसके बाद सरकार ने विकल्प देने की तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ाया था। अब एक बार फिर इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 15% विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इस विकल्प में बेसिक पे और डीए में 15% की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। वेतन वृद्धि को लेकर पहले से दिए गए 2.25 और 2.69 के गुणांक से वेतन तय करने का विकल्प भी कर्मचारी दे सकते हैं। अधिसूचना जारी। हिमाचल में गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि 1 साल और बढ़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में 1 साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है। खुली सिगरेट पर भी रोक रहेगी। अगर कोई दुकानदार इन नशीले पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भंडारण करने वाले लोगों से भी प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। सजा का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। विजिलेंस की बड़ी कार्यवाही, बद्दी में ईएसआईसी का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में तैनात ईएसआईसी के इंस्पेक्टर को विजिलेंस ने रंगे हाथ 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा।
विजिलेंस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। नालागढ़ के कंसलेंट दिनेश कुमार की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने दबिश दी। दिनेश कुमार के अनुसार राज्य कर्मचारी बीमा निगम का इंस्पेक्टर विश्वजीत उससे 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। मंडी में कामरू नाग के आगमन से महाशिवरात्रि मेले के कारज शुरू, उमड़ा जन सैलाब। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बड़ा देव कामरू नाग के आगमन के साथ सोमवार को छोटी काशी मंडी में महाशिवरात्रि मेले के कारज शुरू हो गया। दोपहर करीब 3 बजे लाभ लश्कर के साथ बड़ा देव मंडी पधारे। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले बड़ा देव कामरू नाग ने बाद राज मंदिर में हाजिरी भरी। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भी आजमाएगी अपनी किस्मत, 41 वार्डों में उतारेगी प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी इस बार नगर निगम चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी। शिमला नगर निगम के 41 वार्डों में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आम आदमी पार्टी की रविवार को बैठक हुई। भाजपा और कांग्रेस के नगर निगम में जिन पार्षदों को पार्टी से टिकट और समर्थन नहीं मिलेगा उन पर आम आदमी पार्टी की नजर है। पार्टी से कहा गया कि साफ छवि वाले लोगों के लिए पार्टी के द्वार खुले रहेंगे। बड़ी खबर, एनटीटी भर्ती से रेगुलर नहीं होगी स्कूलों में एनटीटी की भर्ती। स्कूलों में 4,000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती रेगुलर नहीं होगी, अस्थायी तौर पर ये भर्ती होगी। भारत सरकार से मिलने वाली फंडिंग के तहत इन शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। हालांकि अभी प्रदेश सरकार ने इस भर्ती को लेकर देश भर के संस्थानों का ब्यौरा मंगवाया है। बताया जा रहा है कि देश भर के 250 संस्थान है जहां से प्रशिक्षकों ने एनटीटी का डिप्लोमा किया है। अब सरकार इन संस्थानों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। रिकॉर्ड आने के बाद ही सरकार इसमें आगे की कार्यवाही अमल में लाएगी। बताया जा रहा है कि इस भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों को भर्ती में मौका दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों के 70% पद एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स और 30% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने की योजना है। शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, एसएमसी शिक्षकों को दिया जाएगा सेवा विस्तार। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। अब इन शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के लिए सेवा विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा एसएमसी पोल्स के क्लोज नंबर 9 और 10 को भी हटाया जा रहा है। इससे उनके स्थान पर रेगुलर शिक्षकों को नहीं भेजा जाएगा। अलर्ट मोड पर रूस का न्यूक्लियर दस्ता, मिसाइल कमांड भी चौकन्ना। बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल में जारी बातचीत के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने न्यूक्लियर दस्ता अलर्ट मोड पर डाल दिया है। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसकी जानकारी दी है। इसी बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 4500 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि रूस कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों को मारा है। दूसरी ओर रूस ने मिसाइल कमांड को भी तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर बेलारूस बॉर्डर पर जारी बातचीत में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते तो एक महायुद्ध विश्व को देखना पड़ सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे भारत के 4 मंत्री, छात्रों को निकालने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला लिया है। इन मंत्रियों में हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल बीके सिंह शामिल है। इन मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में इसलिए भेजा जाएगा ताकि निकासी मिशन पर समन्वय स्थापित किया जा सके और छात्रों को मदद की जा सके। बता दें कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद के बीच पीएम मोदी ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उनकी जल्द वापसी सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य खबरों के अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं।